वेलकम टू यू ऑल एट माई YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एस के. हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं एंजाइम्स का सेकेंड पार्ट. आपने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कपल रिएक्शन क्या होता है, को फैक्टर्स क्या होते हैं. ये चारों चीज़ हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के लास्ट वीडियो देख लें. साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट करें बेल का आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें. यहाँ पर हम LSE 1 की दिसंबर की जो TEE एग्जाम्स होते हैं आपके इग्नू में, वहाँ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं वो इग्नू की बुक से ही करें, रैदर आप नीरज की बुक से करें या फिर गुली बाबा बुक्स भी यूज़ करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन जो इग्नू की हमारी बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे एग्ज़ाम्स के मामले में. तो आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इग्नू की बुक से ही करें, ठीक है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें हम टर्नओवर एनर्जी में आपको बताना चाहूँगी कि टर्नओवर एनर्जी क्या होती है. टर्नओवर एनर्जी जो होती है वो रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, यानी कि एंजाइम किस स्पीड से, किस रेट से एक रिएक्शन के अंदर कैटलाइज्ड कर रहे हैं, किस रेट से एक रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करा पा रहे हैं. वैसे टर्नओवर नंबर को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि द टर्नओवर नंबर इज़ द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम बाय अ सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल और अ सिंगल कैटालाइटिक साइट, ठीक है ना. यानी कि वो नंबर ऑफ टर्नओवर नंबर वो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं इन अ यूनिट टाइम बाय अ सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल या फिर एक सिंगल कैटालिटिक साइट से, ठीक है ना. और ये डिपेंड करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन पे कि एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है. ये एक इफेक्ट है, यानी कि ये एक फैक्टर है कि किस तरीके से अगर नंबर ऑफ एंजाइम्स की कंसंट्रेशन क्या होगी तो हमारा जो नंबर रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके का होगा. तो ये चीज़ हम वहाँ पर देखेंगे. लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, टर्न ओवर नंबर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम बाय मोल्स ऑफ एंजाइम, यानी कि कितने एंजाइम जो हैं वो कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर. और वन कैटल हम इसकी जो ऐसा यूनिट है वो हम वन कैटल मानते हैं टर्नओवर नंबर की. वन कैटल यानी कि वन कैट इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट वन मोल ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट पर सेकेंड. अब हमारे पास है रेट ऑफ एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, pH, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट. यानी कि सबस्ट्रेट की जो वैल्यू है, जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, वो भी हमारे रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन को इफेक्ट करता है. तो सबसे पहले जो हमारे पास ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ओविंग टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. आप जानते हो कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक वो टेम्परेचर होता है जहाँ से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो पार्टिसिपेट करें रिएक्शन के अंदर और मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो. इसीलिए तो हम एंजाइम को यूज़ करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. एवरी एंजाइम अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन देयर इज टेम्परेचर एट विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज एट इट्स मैक्सिमम, दिस इज नॉन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. और ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो सभी के लिए डिफरेंट होता है, सभी लिविंग बींग्स के लिए. ऐसा माना जाता है कि एवर 50 डिग्री सेल्सियस पे जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर ये एक्टिव नहीं होते हैं, ये डीनेचर्ड हो जाते हैं. यहाँ से जब 50 डिग्री के अबव आप जाएंगे, 50 डिग्री सेल्सियस के अबव जाएंगे आप, तो वहाँ से डीनेचर्ड एंजाइम्स मिलेंगे जिनका कोई यूज़ नहीं होता है. एनिमल्स, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है. वहीं पर प्लांट्स और बाकी एनिमल्स की बात करें जो मैमल्स नहीं हैं, तो उनके अंदर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस होता है.
और प्रोकैरियोट्स या फिर कुछ फिशेस होते हैं, उनके अंदर जो लाइफ एडॉप्टेड होती है वो या तो हॉट स्प्रिंग में होती है और एट फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, और बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एट ओवर 80 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ऑप्टिमम किसके लिए होता है, एंटार्क्टिक रीजन में जो भी लाइफ पाई जाती है, एंटार्क्टिक रीजन में जो भी फिशेस पाई जाती हैं उनके लिए या तो हॉट स्प्रिंग में अबव 80 डिग्री सेल्सियस हो या तो फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर में बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो। तो ये तो था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं तो भी एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो भी एंजाइम की जो पार्टिसिपेशन है, जो कैटालिटिक एबिलिटी है, इस पे फ़र्क पड़ता है। यानी कि जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे एंजाइम्स के एक्शन में इफ़ेक्ट कर सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ पीएच देख लेते हैं। पीएच वैल्यू जो है वो सभी एंजाइम्स के लिए डिफरेंट होती है। ईच एंजाइम हैज़ अ पीएच वैल्यू एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑप्टिमम, यूजुअली विद इन द पीएच रेंज 7 to +1.5 या फिर -1.5 कह लीजिए। यानी कि ये जो है 7 से लेकर के 1.5, यानी कि 6.5 के पास, 5.5 के पास और इसके आगे 9.5 के पास, ये जो दोनों रेंज हैं इनके बीच में ही ऑप्टिमम जो एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करा पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास पीएच की वैल्यू ये है देन योर एंजाइम्स आर अबाउट टू ट्रांसफॉर्म योर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच एट विच अ सर्टेन एंजाइम कॉजेज अ रिएक्शन टू प्रोग्रेस मोस्ट रैपिडली। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमली कहाँ है, अराउंड न्यूट्रल पीएच वैल्यू। न्यूट्रल पीएच वैल्यू ये आपका 7 हो गया, ये पीएच वैल्यू होता है ना न्यूट्रल हम मानते हैं। यहाँ से आप +1.5 चले जाइए, कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 8.5 पे पहुँच जाएंगे, यानी कि ये थोड़ा बेसिक हो गया यहाँ पर हमारे पास। इसके बाद थोड़ी सी इधर आते हैं, -1.5 करते हैं, -1.5 करेंगे यानी कि आप करीब 5.5 पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो एसिडिक होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एसिडिक और यहाँ पर बेसिक, और यही दोनों रेंजेस हैं जिनके बीच में जो हमारे एंजाइम्स हैं इन्हीं दोनों पीएच रेंजेस के बीच में ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमली फंक्शनेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की। एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, द रेट द रिएक्शन रेट इज़ इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। जिस तरीके से आप एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। हम लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, उसका कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पे नहीं पड़ता है। ए केमिकल रिएक्शन इन सेल कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप बाय मेकिंग और डिस्ट्रॉइंग अ पर्टिकुलर एंजाइम। किसी भी एंजाइम को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए या फिर नया एंजाइम उसमें ऐड कीजिए या फिर जोड़ दीजिए, मेक कर दीजिए, वहीं से आप सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। टर्नओवर नंबर आप अभी पीछे पढ़ के जो आए हैं, टर्नओवर नंबर इज़ अ यूजफुल पैरामीटर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की। किस एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में क्या रेट ऑफ रिएक्शन रहा है, यानी कि आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की तो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ, किस तरीके से टर्नओवर नंबर चेंज हुआ। तो टर्नओवर नंबर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल एलिमेंट है, एक फैक्टर है इसके अंदर कि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को आप स्टडी कर सकते हो। एंजाइम्स नॉट ओनली स्पीड अप द रिएक्शन, दे ऑल्सो हैव अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन के अंदर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है एंजाइम्स का, एक मार्क्ड इफेक्ट ये शो करते हैं वहाँ पर, सिर्फ स्पीड ही नहीं रिएक्शन की बढ़ाते हैं, ठीक है। और हम काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स भी करेंगे 2-3 आने वाले वीडियोस में, देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस तरीके से इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है। एट द लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर टू फ्यू टू ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल। यानी कि जितनी कम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी
उतने ही कम वो एक्टिव साइट एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पर जाकर के बाइंड हो पाएंगे। और इस तरीके से अगर आपके पास लो सबस्ट्रेट है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लो होगी, अगर आपकी हाई सबस्ट्रेट है तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे लो के लिए पढ़ लिया है, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन मोर एंड मोर एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड बाय मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट। जब आपने इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट आप इंक्रीज करेंगे तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा यहाँ से वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिव साइट की जो ऑक्यूपाई है, ऑक्यूपाई करने की जो एबिलिटी है आपके सबस्ट्रेट की वो इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर आप इसको डिक्रीज कर दीजिए नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स को, तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट्स भी डिक्रीज हो जाएगा, और जिससे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफ़ेक्ट होता है, वहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो हमारे एंजाइम के एक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपने टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को देख लिया है, पीएच के इफ़ेक्ट को देख लिया, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम देखा हमने आज, और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, जय भारत।